नवाज शरीफ की नाअहली सियासी फैसला था और अहलियत भी। शाहिद खाकान अब्बासी के बयान ने जाती उम्रा में हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सेनेट में अरकान ने आइन की नफी करने की कोशिश की है। आज तमाम जमातों को इजलास बुलाकर अपना वाज़े मौकिफ देना चाहिए था। सेनेट से जो गलती हुई है उसे दुरुस्त करने की जरूरत थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मैं नहीं समझता कि कोई भी जमात अक्सरियत हासिल कर सकेगी। मैं कौमी हुकूमत नहीं इत्तेहादी हुकूमत बनते हुए देख रहा हूं। मुद्दत पूरी करना हल नहीं, काम करना होगा। जो मसाइल का हल है, मुद्दत शुरू तो करें, उसके बाद बताया जा सकता है पूरी होगी या नहीं। पहले मेरा ख्याल था कि इलेक्शन जरूर होंगे, लेकिन सेनेट की करारदाद पास होने के बाद इलेक्शन होने पर शक व शुबा है। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ की नाअहली सियासी थी, आइनो कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी। अहलियत हमेशा सियासी होती है, जिसका फैसला अवाम करते हैं। आज जमातें आगे का फैसला नहीं करेंगी तो इलेक्शन बेमकसद होंगे। आज मुल्क चलाने की सलाहियत किसके पास है? आज फैसला कर लें, हमने आगे क्या करना है। फैसला नहीं करेंगे तो आगे मुल्क नहीं चलेगा। आज इख्तदार या कुर्सी की तलाश की गुंजाइश नहीं है।